सृष्टि एक रचना। नमस्कार, मैं मेघा दैया और आप देख रहे हैं सृष्टि एक रचना में आप सभी का स्वागत है। आज हम नवरात्रों के महत्व और माता रानी के स्वरूपों के बारे में विस्तार से बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नौराते। इन नौ रातों के दौरान देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि वर्ष में चार बार आता है। पौष, चैत्र, अषाढ़, अश्विन महीने में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के नौ रातों में तीन देवियां महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और महाकाली के नौ स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्यौहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। गुजरात में इस त्यौहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और नवरात्रि समारोह में डांडिया खेलकर और गरबा करके इसको मनाते हैं। यह पूरी रात भर चलता है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह उसके बाद। पश्चिम बंगाल के राज्य में बंगालियों के मुख्य त्यौहार में दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप में आता है। नवरात्रों में माता रानी के जिन नौ स्वरूपों की पूजा होती है उनमें से शैलपुत्री देवी दुर्गा पहले स्वरूप में जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह ना सकी और उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया और अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और माता शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वे शिव जी की ही अर्धांगनी बनी। ब्रह्मचारिणी माँ की नवरात्र पर्व के दूसरे दिन पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाले। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्ध चंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड़ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदिप्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से 10 दिशाएँ प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अविस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः यह अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना की जाती है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदाई हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं।
भगवान सकंद कुमार कार्तिक के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हें भगवान सकंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को सकंद माता के नाम से जाना जाता है। सकंद माता की चार भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई हैं। इनका वर्ण पूर्णज शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। कात्यायनी नवदुर्गा देवी पार्वती शक्ति के नौ रूपों में छठवीं रूप है। माँ का नाम कात्यायनी पड़ा इसकी पुराणानुसार कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पारंबा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम उनकी पूजा की, इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाई। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके तीन नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निस्सृत होती रहती हैं। माँ काली के नाम से असुरों का नाश होता है। माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिने तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क कटार है। माँ दुर्गा जी की आठवीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पुण्यत गौर है। इस गौरता की उपमा शंख चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। कथाओं के अनुसार इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएँ हाथ में डमरू और नीचे के बाएँ हाथ में वर मुद्रा है। माँ महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं जिससे देवी के मन का आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत औचपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं और कंचिका को भोजन खिलाती हैं। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईर्षित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये भी सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था, इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर ही आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है।
नौवीं के दिन भी घरों में कंजक बिठाई जाती हैं और भोजन खिलाया जाता है और माँ को चुनरी व सिंगार का सामान चढ़ाया जाता है। नवरात्रि उत्सव देवी अम्बा का प्रतिनिधित्व है। वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इन दो समय में माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माने जाते हैं। त्यौहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की अवधारणा भक्ति और परमात्मा की शक्ति की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा अवधि माना जाता है। यह पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है। माता के सभी शक्तिपीठों का महत्व अलग अलग है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। नवरात्रि में देवी की शक्तिपीठ और सिद्धिपीठों पर भारी मेले लगते हैं। जैसे जम्मू में माता वैष्णो देवी कटरा का मेला, वहीं सहारनपुर में माँ शाकुंभरी मेला। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सृष्टि कृष्णा की पूरी टीम की तरफ से आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। सृष्टि एक रचना।